तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी वीडियो इस पे आता है रिकॉर्ड तोड़ आता है, ऐसा आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा ही नहीं। तो आज का वीडियो वाइफ डिसाइड करेगी कि मुझे क्या चैलेंज देगी और मैं उसे पूरा करके दिखाता हूँ और आज भी करूँगा। तो ये मेरा चैलेंज है, आप बचपन से जितने जवानी तक पढ़े हैं या स्कूल या कॉलेज, आप प्रिंसिपल से मिलकर उनका वीडियो बनाइए। अरे यार, अच्छा दोस्तों आप लोग कमेंट करो क्या ये मुमकिन है। जब मैं छोटा बच्चा था यार, मुमकिन नहीं है ना, मुमकिन को मुमकिन कीजिए। हाँ ये हुई ना जोश भरी बात। इंसान जो है ना मुमकिन को मुमकिन कर सकता है कब, जब वो चाहे। तो चलिए मैं अपने वाइफ का कमिटमेंट को मैं पूरा करने के लिए चलते हैं, रास्ते में देखते हैं स्कूल में कौन सा प्रिंसिपल मिलते हैं हमसे और नहीं मिलते हैं। जो भी जर्नी है आप सभी को वीडियो में लाइव देखने को मिलेगा, तो बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों एक ऐसा समय था कि हम भी बच्चे थे ऐसा, और सबसे फर्स्ट टाइम जो है इसी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था, और कल टीचर डे है तो आज ही जो है हम टीचर लोग से मिलेंगे और अपना जो है जर्नी को दिखाएंगे कि हम किस किस स्कूलों में पढ़े हैं। तो सबसे फर्स्ट मेरा स्कूल यही है। ये स्कूल इतना छोटा दिख रहा है लेकिन इतना छोटा था नहीं, यहाँ पे कम से कम 300 से 400 बंदे लोग पढ़ते थे और काफी ज्यादा ये नामियर स्कूल था। और ये रहे सर, इसमें के हेड थे, यही सर थे और इनसे मिलेंगे आज। और खुशी की बात तो ये है कि बगल में ही मेरा दुकान है। मैं कभी सोचा नहीं था कि जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ उसी के बगल में मैं अपना बिजनेस करूँगा और कमाऊँगा और आप सभी के साथ ये शेयर करूँगा सोशल मीडिया पे। कभी इसके बाद जो मैं पढ़े थे सरकारी स्कूल में पढ़े थे, तो वहाँ भी चलेंगे और सर लोग से मिलेंगे। इसके बाद जो है हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, पूरा जर्नी दिखाने वाले हैं लाइफ कॉलेज अपना जहाँ जहाँ पढ़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं फिलहाल इसके नेक्स्ट स्कूलों में। तो दोस्तों मेरा लाइफ का ये सेकेंड स्कूल है और अभी नज़ारा देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। उस समय मिट्टी का स्कूल था और ये जो देख रहे हैं बाउंड्री, ये कोई बाउंड्री वगैरह नहीं था और हम लोग बहुत यहाँ दिल से पढ़े हुए हैं और जो भी पढ़े हैं आज भी याद है। मुझे वो भी दिन याद है कि ये बाउंड्री नहीं था, लेकिन कोई बच्चा इससे बाहर भी नहीं जा पाता था क्योंकि उस समय टंगवा कर लिया कर जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इच्छुक थे उस समय पढ़ने के लिए। तो उस समय का जितने भी टीचर हैं वो तो रिटायर हो चुके हैं, टीचर नहीं है, जो भी है मेरे साथ का एक टीचर है मुजाहिद सर, इनसे बात हुई है और चलिए उन सर को दिखाते हैं। और यहाँ पे हम लोग इतना दिल से पढ़ते थे कि मैं क्या बताऊं। और यहाँ पे मिट्टी का स्कूल था, अभी जो है चारों तरफ देख सकते हैं कि बिल्कुल ईंट का बन चुका है और टीचर भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी उतना बच्चा दिल से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा दुख है मुझे। अगर इतना सुविधा मिल रहा है तो बच्चों को बेनिफिट ज्यादा ही लेना चाहिए। तो चलिए सर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और ये सर जो है मेरे क्लासमेट है, मुझे जानकर इतना खुशी हुआ कि मैं क्या बताऊं। यहीं पे देखो मैं यूट्यूबर बन गया और सर टीचर बन गए, तो बहुत दिल का खुशी हुआ। हम भी 2010 में मैट्रिक किए हैं, सर भी 2010 में मैट्रिक किए हैं, तो बहुत खुशी हुई इस बात से। और सर लोग को थोड़ा सा हम कुछ लाए हुए हैं तो गिफ्ट करेंगे क्योंकि टीचर डे है कल, तो आज ही मना लेते हैं क्योंकि कल हमको वीडियो ये अपलोड करना है, डालना है। तो लीजिए सर, ये मेरे तरफ से ये यादगार के लिए सोचे हुए हैं घूमे। तो सर चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे जरूर। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट स्कूल जो है मेरा हाई स्कूल है, वहाँ चलते हैं, वहाँ आप सभी को दिखाते हैं कि वो कैसा चेंज हुआ है। तो दोस्तों ये जो है तीसरा कॉलेज है, जैसे कि मैंने सबसे बच्चे में जहाँ पढ़ा था उन सर से मिलवा दिया, उसके बाद मिडिल स्कूल में पढ़ा था उनसे मिलवा दिया, अभी जो है मैं मकेर मकेर राजेंद्र विद्या मंदिर मकेर पे हूँ। और काफ़ी ज़्यादा ये स्कूल फेमस है, लगभग मेरे क्षेत्र का कॉलेज यही है। और इसके बाद जो हम इंटर किए तो इंटर करने के लिए मुझे छपरा जाना पड़ा और आज के डेट में इसी कॉलेज में इंटर ऐड कर दिया गया है। तो ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अभी के डेट में प्रिंसिपल जो है संगीता मैम है, तो चलिए इनसे मिलते हैं। और संगीता मैम ये मिले तो थैंक यू, खुश रहिए, तरक्की कीजिए।
जी, और आज देखा जा रहा है ना कि जब हम लोग पढ़ते थे उस समय लड़कों का लाइन 9 लगता था, लड़कियों का लाइन 1 लगता था, और आज देखा गया है आज के डेट में कि लड़कियों का लाइन 10 लग रहा है तो लड़कों का लाइन 1-2 भी नहीं पूर रहा है। क्यों भाई, क्यों पीछा जा रहे हो, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो? तो ऐसा ना करें। जैसे कि हमारे बहन पढ़ने में आगे निकल रहे, उसी तरीके से जब तक आप पढ़ोगे नहीं, शिक्षित नहीं होगे, लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे। तो जैसे कि आपने देखा कि पढ़ा लिखा इसलिए नहीं जाता है कि नौकरी ही करना है। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छा खासा इंसान बनोगे, जैसे कि आप मेरे साथ नेटवर्कर बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो, या बिजनेस कर सकते हो, कोई भी काम करोगे ना तो अच्छा खासा ही काम करोगे, सोच समझ कर काम करोगे। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के डेट में इतना ज़्यादा भीड़ है, लोग स्कूलों में आ रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे उतना बच्चा नहीं आ रहा था, बस प्रार्थना होते ही सब भाग जाते थे, लेकिन हम लोग जबरदस्ती टीचर को बुला के हम लोग पढ़े हुए हैं। इसी बात पे मेरा एक बात याद आ गया कि एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम कॉपी पे ही लिया जा रहा था, मेरे पास कॉपी खरीदने का पैसा नहीं था, तो दोस्तों से हम पेज लेकर एग्ज़ाम दिए हैं। तो आज के दिन देखा जाए गार्जियन इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है, पढ़ाई के पीछे इतना खर्च कर रहा है, फिर भी आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो ये अपने पैरों में खुद को कुल्हाड़ी मारते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं या गार्जियन हैं, तो अपने बच्चे को पढ़ाए, वो बहुत आगे तक ले जाए और उनका हौसला को बुलंद करे। तो मैम चलते हैं इसी के बाद, और भी स्कूल में जाना। तो जैसे आपने देखा कि प्रिंसिपल सर से हमने मिला, और हम लोग जहाँ पढ़ते थे वह स्कूल ये रहा, आज के डेट में टूटा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और आज के डेट में सरकार इतना खर्चा कर रही है पढ़ाई के पीछे, देख सकते हैं नया नया बिल्डिंग बन चुका है, और इधर कॉलेज है, क्योंकि इंटर कॉलेज जो है इधर ही हो गया है, और बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं, तो बहुत मुझे खुशी हुई। तो इसी तरीके से चलते हैं, मैं इसके बाद पढ़ा हूँ पीएन कॉलेज में, तो इसके पहले हम चल सकते हैं अमनौर, जहाँ से आईटीआई किया हूँ, तो उन सर से मिलेंगे, बातें करेंगे, और ये सब बहुत याददाश्त जो है, बहुत खुशी हो रही है मुझे स्कूलों में आकर और आप सभी से बात करके, इतना खुशी हो रहा है, बचपना याद आ जा रहा है। जैसे कि हम भी जब जैसे कि अभी बच्चे आए हुए हैं और इधर घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ऐसा हम लोग का भी समय था। अगर वह समय एक बार चला जाता है फिर दोबारा कभी नहीं आता है। तो जितने भी छात्र हैं मन लगा के पढ़े, और अभी चलते हैं अमनौर, और वहाँ आईटीआई के हैं, तो वहाँ पे हम सर से मिलेंगे, उसके बाद चलेंगे लास्ट में कॉलेज जहाँ से हम लास्ट पढ़ाई किए हैं। तो दोस्तों मेरे भाइयों, अभी आ चुके हैं आईटीआई कॉलेज, देख सकते हो यहीं से आईटीआई किए हैं, सूरज सवरिया आईटीआई अमनौर, अभी अमनौर में है। चलिए अंदर अब पूरा रूबरू दिखाते हैं डिटेल्स में। 15 से 17 सेशन में हम पढ़े हुए हैं, और आज भी याद है, तो यहाँ पढ़ाई का कुछ अलग ही अनुमान है, अनुभव है। तो चलिए अंदर पूरा लोकेशन दिखाते हैं, और ये रहा गेट, देख सकते हैं, और पहले ये सब नहीं था, बिल्कुल इतना कवर नहीं था पहले, और अभी देखने में भी बहुत ज़्यादा लोकेशन बढ़ गया है। और हम लोग जब सेशन 1 में थे, 2 में, तो नीचे पढ़े थे, सेशन 2 और 4 ऊपर पढ़े थे, और 2 साल का कोर्स है, इलेक्ट्रिशियन और फिटर का कोर्स कराया जाता है। और अभी सर से बात हुआ है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे अब अप्रेंटिस का भी सुविधा हो चुका है, तो कितना खुशी की बात है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जिस आईटीआई में हम पढ़े हुए हैं उसी आईटीआई में 2023 में आके हम वीडियो शूट कर रहे हैं और आप सभी को दिखा रहे हैं, कितना खुशी की बात है। तो चलिए डिटेल्स में हम दिखाते हैं, पहले सर से पूरा बात हुआ है। अगर आप सभी को यहाँ आना है, सर से बात करना है, तो आप बैनर का फोटो लगा लेंगे, आप वहाँ से बात कर सकते हो, या डायरेक्ट आकर आप ऑफिस में जानकारी ले सकते हो, क्योंकि गरीब छात्र के लिए भी यहाँ पे पढ़ाई का सुविधा है, यानी कि पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना हम दिखाने के लिए, और सर लोग से मिलेंगे। तो चलिए सर लोग से मिलते हैं, तो चलिए चलते हैं अभी ऑफिस में और सर लोग से मिलते हैं और बधाई देते हैं। प्रणाम सर, और हमारे इस देखा जाए ऑफिस में तो 2 सर बहुत ज्यादा पुराने हैं, जिनसे हम पढ़े हुए हैं और इनसे एडमिशन कराए हुए हैं, ये बहुत पुराने हैं सर, तो ये मेरे तरफ से सर गिफ्ट है। और सर इस आईटीआई से हम पढ़े हुए हैं और ये काम कर रहे हैं, बहुत लोग नौकरी करते हैं, मैं ये काम करता हूँ, और ये सर आपके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये सर से हम पढ़े हुए हैं और हम लोग को ड्राइंग पढ़ाए हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ?
सर आर एस फैशन ब्लॉग हुआ, मेरा नाम सद्दाम हुआ, 15 सत्रह सेशन पड़े हुए हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम इतना हम ऊपर वाले रब से दुआ मांगेंगे कि आप सोशल मीडिया पर पूरा छा जाइए, ये मेरा आशीर्वाद हमेशा के लिए आप पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे 3.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं हमसे, और देखते हैं और आगे मैं इसी तरीके से नॉलेज आप सभी को मिलता रहेगा। और यहाँ पे पढ़ने का बेनिफिट ये है ना दोस्त, 2015 से 2017 से हम पढ़े हुए, आज भी मुझे याद है, जितना भी पढ़े हुए हैं सब मुझे याद है। तो पढ़ाने का सर का जो टेक्निक है अलग से, एकदम बिल्कुल हंसा खिला के पढ़ाते हैं, और आज भी मुझे याद है ड्रॉइंग हम लोग पढ़े हुए नहीं सर। और चलिए चलते हैं, जो भी बात है सबसे बाहर करते हैं, और उसके बाद इसका स्पेशल वीडियो जब पप्पू सर आ जाएंगे तो स्पेशल वीडियो उसको बना देंगे। अगर आप सभी को नॉलेज लेना है तो आ सकते हैं ऑफिस में, डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं सूरज सवरिया में, और इसका नंबर भी हम दे देंगे ऑफिस का। तो दोस्तों मेरे भाइयों एंड बहनों, अभी जो देखा जाए तो 2012 से लेकर 15 सेशन तक हम यहाँ पढ़े हुए हैं बीएससी मैथ ऑनर्स से, और आज आए हुए हैं 2023 में सर के पास, कल जो है टीचर डे है तो सर से मिलने। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, मेरे हिसाब से नहीं कोई ऐसा करता है, लेकिन मेरे दिल में जिज्ञासा हुआ तो हम तो यही चाहेंगे अगर मेरे एज के जितने भी छात्र हैं या इस कॉलेज के जितने भी छात्र हैं, उससे रिक्वेस्ट है कि सर का कुछ मैसेज है जो अपने डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट कीजिएगा। और बात कर लेते हैं अपना, तो देखिए पढ़ने के जो कोई भी टाइम नहीं होता है, टेबल नहीं होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ाई जारी रखें और इसी तरीके से लगाव रखें। तो मैं अपने सर का जो है पैर छुएंगे, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई जो है, देखा गया है कि पढ़ाई लिखाई करके एक जरूरी नहीं है कि नौकरी ही हो, आप पढ़ लिख कर एक अच्छा खासा मुकाम हासिल ले सकते हैं, एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे काम करके एक अच्छा खासा नाम शोहरत पैसा हर चीज बना सकते हैं, कमा सकते हैं। और देखिए आपका भाई क्या कर रहा है, आज पूरे स्कूल में जितना बच्चे से लेकर सियानों तक जितने स्कूल में पढ़े हैं, मैंने क्या किया, सर लोग से मिला, उस यादगार को ताजा किया और दिल मेरा बिल्कुल खुश हो गया, और मैंने कुछ नहीं किया, और इसके बदले मैं 2-3 जगह से पैसा कमा सकता हूँ। तो ये कब होगा, जब आप पढ़ोगे लिखोगे समझोगे, समय के अनुसार बहुत ज्यादा चेंजिंग होता है। एक समय था गूगल का बहुत ज्यादा जमाना था, मांग था, अब जो है AI जनरेट हो गया है जिसे आप लाइव बात कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो समय के अनुसार हर चीज का नॉलेज लेना चाहिए। तो चलिए सर से भेंट करते हैं और अपना कुछ छोटा सा गिफ्ट देते हैं सर को, क्योंकि यहाँ पे पढ़े हुए हैं। और ऐसा सौभाग्य सब किसी को नहीं मिलता है, तो आप लोग पढ़ने के बाद भी आए सर से मिले, एक अलग लेवल का ही खुशी मिलता है।